गर्मी, भीड़भाड़ और थकान की वजह से इन्हें ऐसा हुआ है, और कोई खास बात नहीं है। एक्चुअली इसे इतना हैवी खाना और बिना फिल्टर के पानी पीने की आदत नहीं है। कल ये वॉमिट कर रही थी। तो ये बात इसने पहले क्यों नहीं बताई हमें? अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो कहा था आराम कर ले, लेकिन ये कहने लगी सब कितने खुश हैं, कितनी रस्में करनी है, अब मेरी वजह से मैं सबको दुखी नहीं कर सकती। इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है, ऐसा ना हो कि शादी की रस्मों में पड़कर इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए। कमाल करें आप डॉक्टर साहब, रीति रिवाज के बिना कोई शादी ब्याह होते हैं क्या? बाबूजी क्यों ना हम शादी पोस्टपोन कर लें? जब तक सिद्धि ठीक ना हो जाए तब तक। मैं समझता हूँ ज्ञान ठीक कह रहा है, शादी की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए। नहीं नहीं, शादी पोस्टपोन क्यों करें? आई मीन मुहूर्त भी शुभ है, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं, शादी की तैयारियां हो चुकी है। मेरे ख्याल से शादी पोस्टपोन करनी ये बहुत बड़ा अपशगुन होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर क्या करें, दुल्हन की जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो? भाई साहब एक रास्ता है, अगर आप सब लोग ठीक समझें, हम ज्यादा रस्में करे बिना बिना ज्यादा तामझाम के मंदिर में एक सिंपल सी सेरेमनी कर सकते हैं, इससे शादी भी हो जाएगी और मुहूर्त भी नहीं टलेगा। कमाल है, ऐसे कैसे जी, अभी तो हमें कितनी सारी खुशियां मनानी है और फिर ऐसे। तो देखिए बाकी की जो बची कुची खुशियां हैं वो हम बाद में मना लेंगे, पहले इन दोनों को एक कर देते हैं। हाँ भाई, इनसे बढ़ के हमारे लिए और क्या है, हमें तो अब इन्हीं का सोचना है ना। लगता है इस खुशखबरी का असर सिद्धि पर अभी से हो गया है। हमें तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो। मंगलसूत्र पहनाइए। नौमि श्री भगवन्तं
गणपति मति वरदम वरदन्ति मुखं सुमुखं सादर मे करदम वरदम विपदुदधौतम धौतमलं शमलं शमलमपि ददतम। देखो सारे गांव से तुम्हें लोग मिलने आए हैं। आ हटाओ ये घूंघट सिद्धि। अरे मुंह दिखाई नहीं करने दोगी क्या? अब सिद्धि ये एक रस्म है जहां घर की औरतें नई दुल्हन का चेहरा देखती हैं और शगुन के साथ साथ आशीर्वाद भी देती हैं। इतने लोगों के सामने मेरे फेस की एग्जिबिशन लगेगी। गॉड कहाँ फंस गई मैं। अरे कुड़ी तो बड़ी सोहनी है गोरी चिट्टी लेकिन ये नक थोड़ी पकौड़ा जी है। बिंदी रह पुत्तर ले ये तेरे वास्ते। अरे एक मिनट रुको जी। पुत्र बेटा पैर छुओ। उठो सिद्धि पैर छू लो। उठो जिंदी रहे पुत्र। बेबी जी पैरे पहना। बेबी जी बड़ी देर लगाई। बेबी जी आओ जी आओ। कब से आपका इंतजार कर रही थी। जीती रहो। आई जबान जले मेरी बहुदी हाले हुक्म चलांदी रहंदी है मेरे उत्ते सारा दिन। ए देख देख शकल तो सोनी है पर चाल ठीक है ना। सिद्धि आओ पाओ छिलो बेबे के। बेबे के आशीर्वाद के साथ साथ अनमोल शगुन मिलेगा तुझे। आ जा। क्या हुआ सिद्धि आ जा। अरे क्या हुआ जल्दी आओ। ऐसे नहीं ठीक तरह से थोड़ा सा झुक कर। हाँ
जिसके पैर छूने हैं उसके पैर भी तो छूने लायक होने चाहिए ना। गोबर लगा है उनके पैरों पर, लुक देख। अगर तुम्हें गोबर छूने का इतना ही शौक है तो तुम छू लो ना उनके पैर। मुझे गंदगी को हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है। पहले अपनी जुबान संभालो फिर मुझसे बात करना। सिद्धि तूने ये क्या कर दिया? बेबी इस गांव में सबसे बुजुर्ग है, चल इनके पैर छू और माफी मांग इनसे। माफी मैं मांगू इनसे? फॉरगेट प्रार्थना, तमाशा बनाकर रख दिया इन लोगों ने मेरा, मेरे रंग नाक आंख चाल किसी चीज को नहीं छोड़ा इन्होंने। I mean, this is the limit, यार। Stop it, सिद्धि। क्यों बेवजह बात को बढ़ा रही है? चलो इनसे माफी मांगो। मैं इन लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। आखिर रंग दिखा दिया इस लंदन वाली ने अपना, अभी ये रंग है तो बात चिकी होएगा इस फिरंगन का। हम यहाँ इज्जत उतरवाने के लिए नहीं आए थे, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तू रोका किसने आपको? उठो यहाँ से और घर जाओ, क्यों तमाशा बना रही हो मेरा? ऐसे नहीं आए थे हम, न्योता भेजा था हमें तभी आए थे हम। पता नहीं सी ऐसे इज्जत उतरवाने वास्ते बुलाया है सानू लोगों नू। चलो जी चलो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। नादान है, बच्ची है और थक गई है ना जी थोड़ी सी। उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तो मना किया सी पर हम ही जबरदस्ती ले आए। और कुछ नहीं जी, बस थोड़ी सी चिड़चिड़ा गई है। अगर उससे गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे। बस ब्याह वाले घर से ऐसे नाराज होके ना जाओ। मैं मेरी बात तो मानेंगे ना? ये लीजिए, मैं कान पकड़ कर माफी मांगती हूँ। देखिए जी, अगर अपने बच्चे कोई गलती कर दे तो उनसे नाराज तो नहीं होते हैं ना जी? और इस गांव में तो बहू को बेटी माना जाता है ना, बेटी समझकर माफ कर दीजिए। बस बस पुत्र, तू जाके हलवा लेकर आ, आप शगुन के गाने शुरू करो जी। बैठो ना, बैठिए बैठिए। बेबी जी, पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं ये लोग, पैरों में गिरना मंजूर है लेकिन जाने नहीं देंगे इनको, वो भी पराई औरतों के लिए। गॉड, प्लीज बचाना मुझे इन सबसे। अभी ये रंग है तो बात चिकी होएगा इस फिरंगन का। हम यहाँ इज्जत उतरवाने के लिए नहीं आए थे, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तू रोका किसने आपको? रोका किसने? उठो यहाँ से, घर जाओ। अभी ये रंग है तो बात चिकी होएगा इस फिरंगन का। हम यहाँ इज्जत उतरवाने के लिए नहीं आए थे, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तू रोका किसने आपको? रोका किसने? उठो यहाँ से, घर जाओ। उठो यहाँ से, घर जाओ। तू तमाशा बना रही हो मेरा, तमाशा बना रही हो मेरा। सिद्धि, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज तुमने ये सब क्यों किया? क्या किया मैंने? बनने की कोशिश मत करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आज तुमने जो कुछ किया ना, तुम्हारी हरकत की वजह से पूरे गांव के सामने मेरे परिवार का सर पहली बार झुका है। एहसास है तुम्हें? एहसास है इस बात का? अरे ओए, क्यों आया है? पति पत्नी में इस तरह के झगड़े तो तब होते हैं जब बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं, पहले दिन थोड़ी होते हैं। लेकिन चाय जी, सिद्धि ने तो, मेरी बहू ने कुछ नहीं किया, गलती सारी हमारी थी। अब हमें क्या पता कि बच्चा थका हुआ है, बीमार है, हमने जाके उसे भीड़ में बिठा दिया। अब चिड़चिड़ा के बच्चा कुछ तो बोलेगा ना। लेकिन माफी का एक शब्द सॉरी तक नहीं निकला इसकी जबान से। ज्ञान बिल्कुल ठीक कह रहा है मम्मी जी, गलती मेरी ही थी। आइए मम्मी जी, मैं अभी सबसे माफी मांगती हूँ, चले। ना ना पुत्र, बिल्कुल नहीं, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है अब।
और हमारे घर में अगर छोटी मोटी कोई बात हो भी जाती है ना, तो हम अपना सर झुका लेते, घर की लक्ष्मी को अपना सर नहीं झुकाने देते। और पुत्र एक बात कहूं, रिश्तों में ना छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाया करते, उन पे मिट्टी डाल देते हैं। चल हंसते हैं, चल हंस। शाबाश, अच्छा बेटा, चल। I'm really sorry, क्या मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं मैंने कैसे। I'm extremely sorry. I really mean it. It's okay, Siddhi. ऐसे बोलोगे? कम से कम मुस्कुरा तो दो। I'm really sorry, क्या? मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। फाइनली ज्ञान और सिद्धि एक हो गए, थैंक गॉड, है ना? हेलो, क्या हुआ? तुम खुश होने के बजाय इतनी टेंस्ड क्यों हो? अक्षय, सिद्धि के बदले हुए व्यवहार के कारण उसने सबके सामने इस तरह। प्रार्थना नहीं है सिद्धि, इस माहौल और इन लोगों के लिए भी। उसे थोड़ा वक्त दो, she'll be fine, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैडम, अब थोड़ा वक्त हमें भी दे दीजिए ताकि हम भी ठीक हो जाएं। वैसे ज्ञान और सिद्धि अपनी फर्स्ट नाइट मना रहे हैं ना, तो क्यों ना हम भी अपने ड्यू हनीमून का एक पार्ट यहीं पे मना लें। अक्षय,